हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी एबीडी 11 पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम 11 में क्रिकेट की टीम देने वाला हूँ, जो यहाँ पर सिर्फ फैन कोड ECS T10 रोम का जो मैच रहेगा, रॉयल रोमा वर्सेस रोबा कैंपेनिल के बीच जो मैच रहेगा, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूँगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर से जो आज का जो मैच रहेगा, यहाँ पर से 2 बजे एक होगा और एक 4 बजे होगा, ये सेमी टीम के साथ। और ये मैच आप लाइव देख सकते हो फैन कोर्ट पे। मैच का रिपोर्ट आया है, जैसे यहाँ पर से रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है मैं यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर से T10 बेस और लास्ट 5 मैच में जो खेला गया है, मिनिमम फर्स्ट इनिंग्स एवरेज है 105 के आसपास, और यहाँ पर से जो बॉलिंग करेगा विनिंग प्रोबेबिलिटी उनका 60% रहता है। बैटिंग और पे काफ़ी मदद मिलेगा और पेसर में भी काफ़ी अच्छा सूट करेगा ये पिच। तो यहाँ पर से मेरा टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना गाइस, यहाँ पर से मैं फाइनल टीम वहाँ पर डालूंगा। तो यहाँ पर से मैच का जो प्रीव्यू रहेगा ECS T10 रोम 2022 का, जिनमें से रॉयल रोमा क्रिकेट और रोमा कैपेनिल क्रिकेट के बीच मैच है, और ये लास्ट सीजन पे रोमा क्रिकेट क्लब यहाँ पर से 7 विकेट से वेनेजिया क्रिकेट क्लब के साथ जीता था और अपने चैंपियन भी हुआ था, और जिनमें से मुबारक शाह हुसैन जो 46 रन बनाए थे 28 बॉल में, और रॉयल क्रिकेट क्लब आज का मैच में भी काफ़ी अच्छा फेमस भी और फेवर भी रहेगा। रॉयल रोमा के तरफ से जो यहाँ पर से ओपनिंग करेंगे, शादाब मुगल, जर्दरान और अनिल कुमार, ये 2 खिलाड़ी रहेंगे, जिनमें से अनिल कुमार काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे। उसके बाद वन डाउन पे मुनीब नियाजी, तिनुसा शहनाका, उमर शहजाद, नूर मोहम्मद, राजविंदर सिंह, कुलविंदर राम, बेजॉफ द पनिद्रा, सोहेल महमूद, जितेंद्र प्रकाश, अशराफुल इस्लाम और अहमद गुलाम स्टार्ट करेंगे, जिनमें से अशराफुल इस्लाम काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, यहाँ पर से गुलाम काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, इस पर राजविंदर सिंह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर से आप थोड़ा सा देख सकते हो गाइस, यहाँ पर पे मैं टिक कर रहा हूँ, गुलाम, अशराफुल इस्लाम, राजविंदर, नूर मोहम्मद, अनिल कुमार काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है आज के मैच के लिए। जैसे यहाँ पर से अशराफुल इस्लाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर से 6 मैचों में लास्ट सीजन 70 रन के आसपास बनाए, उनका एवरेज 14 के आसपास था, तो लगभग इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। अनिल कुमार पिछले 2 सीजन में 18 विकेट लिया था और साथ में 71 रन के आसपास बनाए थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी अनिल कुमार भी है। उसके बाद रोमा कैपेनिवेल के तरफ से, जैसे यहाँ पर से जय राजा और केकुलावा आज का मैच स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर से जय राजा काफ़ी इम्पोर्टेंट चॉइस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर से वन डाउन पे मॉरिटेनी, सुमैर अली इम्पोर्टेंट है, डैनी किरवी, अलेजेंड्रो सेवेली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सरजन इल्जाज, अली गुलाम काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, अल्फांसो जहराज और सफ़ी, ये बॉलिंग पर रहेंगे, जहराज काफ़ी इम्पोर्टेंट चॉइस रहेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे ये सब खिलाड़ी, सुमैर अली, सवेली, गुलाम, जयराजा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर से टॉप पिक में रहेंगे रोमा कैपेनल के तरफ से लियोनार्डो जयराजा, जैसे यहाँ पर से 25 रन के आसपास T20 में वैल्यूएबल रन पिक किया था पिछले मैचों में, साथ में सुमैर अली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चॉइस रहेंगे। जैसे राइट आर्म पेसर रहे हैं, 4 मैचों में लास्ट सीजन में 64 रन के आसपास बनाए थे, और इनका बैटिंग एवरेज भी 32 के आसपास बनाए थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेंगे आज के मैच के लिए भी। तो गाइस, अब मैं टीम क्रिएट करूंगा रॉयल रोमा वर्सेस रोमा कैपेनिल के बीच जो मैच रहेगा यहाँ पर से। विकेट कीपर ऑप्शन पे जो आज का मैच स्टार्ट करेंगे, 2 खिलाड़ी मैं भी यहाँ पर से पिक करूँगा, और यहाँ पर से है इस्लाम और ये जयराजा, मैं यहाँ पर से इस्लाम को भी पिक करूँगा, जयराजे के साथ भी जाऊँगा। बैटिंग ऑप्शन पे यहाँ पर से काफ़ी इम्पोर्टेंट चॉइस यहाँ पर से गगनदीप सिंह आप ले सकते हो उनको, यहाँ पर से अबेदीन के साथ जाऊँगा, सबेली को पिक करूँगा। अदर चॉइस पे यहाँ पर से किरबी के साथ जा सकते हो, यहाँ पर से महमूद के साथ जा सकते हो, यहाँ पर से ऑलराउंडर चॉइस यहाँ पर से गुलाम को पिक किया, यहाँ पर से पिक किया जो खिलाड़ी है मुख्तार सिंह, पिछले मैच में काफ़ी विनिंग पार्टनरशिप किया था, बदर को पिक किया, यहाँ पर से अब बदर को छोड़ के इलाज को ले सकते हो। बॉलिंग ऑप्शन पे यहाँ पर से काफ़ी इंपॉर्टेंट जय राजे को पिक किया, यहाँ पर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे रजविंदर सिंह को पिक किया, और यहाँ पर से जो अनिल कुमार 2-2 है इसको आप ले सकते हो, ये छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर से गाइस अनिल कुमार को पिक किया,
और यहाँ पर सॉरी बैट्समैन को पिक करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर से। तो अभी तक गगनदीप सिंह अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं आया है, अगर लेंगे तो यहाँ पर से पिक कर लूँगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर से अदर चॉइस पे यहाँ पर से किरबी को पिक कर सकते हो, यहाँ पर से महमूद के साथ जा सकते हो। तो गाइस अभी तक ये मेरा टीम रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सेक्शन आएगा यहाँ पर से मुख्तार सिंह गुलाम काफ़ी इम्पोर्टेंट आएगा, उसके बाद सवेली अबेदीन, यहाँ पर से जयराजे बॉलिंग ऑप्शन पे जयराजे काफ़ी इम्पोर्टेंट आएगा, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा पिछले सीजन काफ़ी अच्छा खेले थे। तो कैप्टन के जो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर से मैं गुलाम को मेरे टीम में कैप्टन का ऑप्शन दूंगा और यहाँ पर से मुख्तार सिंह को मेरे टीम में वाइस कैप्टन का ऑप्शन दूंगा। ज्ञान लीग पे आप यहाँ पर से जयराजे को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। गाइस ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, बाय बाय।